इसरो द्वारा आईआरएनएसएस एक सैटेलाइट का प्रक्षेपण हुआ असफल, कई प्राइवेट कंपनियां भी प्रोजेक्ट का थी हिस्सा। देश में पहली बार प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से बनाया गया आठवां नौवहन उपग्रह का प्रक्षेपण फेल हो गया है। ध्रुवीय रॉकेट से सटीक उड़ान भरने के बावजूद यह तकनीकी गड़बड़ी की वजह से विफल हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष किरण कुमार ने विफल मिशन को दुर्घटना करार देते हुए कहा कि आईआरएनएसएस एक एच से हीट शील्ड अलग नहीं हुआ, जिसके कारण ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान 39 के चौथे चरण में उपग्रह फंस गया। कुमार ने कहा कि यह प्रक्षेपण मिशन सफल नहीं हुआ। प्रक्षेपण यान के सभी तंत्रों ने जहां शानदार तरीके से काम किया, हमसे एक दुर्घटना हुई, हीट शील्ड अलग नहीं हुआ। बता दें यह पहली बार था कि जब किसी सैटेलाइट को बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों ने सीधे तौर पर अपना सहयोग दिया है। इस सैटेलाइट को बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों ने 25% का योगदान दिया है। इसरो ने बताया था कि इससे पहले सैटेलाइट बनाने में प्राइवेट कंपनियां सिर्फ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पार्ट और जरूरी सामान ही इसरो को उपलब्ध करवाती थी, लेकिन आईआरएनएसएस रिनी कैच में प्राइवेट कंपनियों के इंजीनियर और टेक्निकल असेंबलिंग, इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन, टेस्टिंग आदि काम में शामिल रहे हैं। इसके लिए 6 प्राइवेट कंपनियों का एक ग्रुप बनाया गया था। इन कंपनियों के 70 लोगों को अलग से ट्रेनिंग भी दी गई। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV रॉकेट को लेकर इसरो को लगा यह दुर्लभ झटका है। इससे पहले यह यान 24 साल पहले एकमात्र विफल उड़ान के बाद से लगातार 39 बार सफल प्रक्षेपण करा चुका है। गुरुवार को PSLV प्रक्षेपण का इस साल का यह तीसरा प्रक्षेपण था। वहीं रॉकेट की उड़ान भरने के बाद चौथे चरण में पहुंचने तक सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। मिशन डायरेक्टर ने हीट शील्ड के अलग नहीं होने की घोषणा करने के बाद किरण कुमार ने आधिकारिक तौर पर मिशन के असफल होने की घोषणा की।